मैं बना रही हूँ छत्तीसगढ़ी मसूर की सब्जी, वो भी दही में। तो पहले थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। राई के दाने डाल दूँगी, उसको अच्छे से तड़क जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी। हल्का सॉफ्ट होते तक प्याज को कुक कर लूँगी मैं। प्याज में यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज जब हमारा कुक हो जाएगा अच्छी तरह से, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, और टमाटर में थोड़ा नमक डाल दूँगी, जिससे टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे और बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को सॉफ्ट होते तक कुक कर लूँगी। फिर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दूँगी। यहाँ पर कोई भी मसाले आपको यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनती है। तो फिर यहाँ पे मैं बॉइल्ड मसूर डाल दूँगी। मसूर बहुत जल्दी कुक हो जाता है, या तो भिगा हुआ मसूर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा भून लीजिए। और उसको मैं कुक कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। फिर उसमें ऐड कर दूँगी फटा हुआ दही, और उसमें 1 पिंच बेसन डाल दूँगी, उससे जो दही है वो फटेगा नहीं। लास्ट में इसमें और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। मसूर बॉईल करने के टाइम भी मैं नमक डाली थी, तो इसमें अब थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कुक होने दूँगी 6 से 7 मिनट तक। 6 से 7 मिनट में ये पक के रेडी हो जाएगा। इसमें लास्ट में मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती। ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप परिचित हैं ये वाली सब्ज़ी से तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।